देखिए भैया इन्होंने चाय दिया है और इसमें देखिए चीनी कम है। शहजादे भाई और बहनों मैं पूछना चाहता हूँ ये एक कप अभी खाली है, कैसी लगी भाइयों बात? दिल वालों की दिल्ली और दिल्ली का कनॉट प्लेस, अभी हम आ गए हैं कनॉट प्लेस पे, तो लेके चलते हैं आपको ऊपर। तो मेरे साथ आज आया अनुज और ये है पीछे पालिका बाजार और इस साइड है ये फ्लैग। हम 6 नंबर गेट से एंटर हुए हैं और अभी देखते हैं हम कहाँ पे जाएंगे। आज हम आपको पूरा कनॉट प्लेस घुमाएंगे। और तो अनुज आज मेरे साथ इसलिए आया है कि अनुज को कपड़े लेने हैं यहाँ से, और जो अभी मैंने पालिका बाजार दिखाया है आपको वहां से बहुत सस्ते में कपड़े मिल जाते हैं। कनॉट प्लेस, इसको सीपी भी बोलते हैं, और ये सर्कल शेप में है। इसमें 2 सर्कल हैं, एक अंदर की साइड है और एक बाहर की साइड है। अभी हम जा रहे हैं इस पार्क के अंदर, यूट्यूबर्स और जो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाते हैं वो बहुत बंदे मिल जाते हैं। अभी अंदर की जा रहे हैं। तो अभी हम पार्क के अंदर आ चुके हैं और जैसे ही हम तीसरे गेट से एंटर हुए हैं, ये इस साइड फोटोशूट चल रहा है। देखिए आगे टिकटॉक वाले या इंस्टाग्राम वाले वीडियोस कहाँ बनाते हैं वो भी दिखाएंगे हम आपको। तो अभी अनुज ने फोटो फोटोज वगैरह क्लिक कराई है यहाँ पे, और अनुज ने अभी मुझे एक बात बोली है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी सुना दूंगा। अनुज क्या बोला था अभी तुमने? ओहो, दिल्ली का सारा सुने थे सानू, 2 साल हो गए रहने, अज लगा मजा आ रहा है। जिसको समझ आ गया वो समझ जाओ, अभी चल रहे हैं हम आगे। तो ये जो मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, ये जगह पार्क के अंदर ही है, और ये जो पीछे आप देख रहे हो सारे रील्स वगैरह बना रहे हैं, यहीं पे बनती हैं सारी रील्स वगैरह जितने इंस्टाग्राम के लिए ना, और उस साइड भी है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। अभी जो अभी बना रहे हैं उधर, वहां ले चलते हैं आपको, है ना। और ये जो मैंने चश्मा लगा रखा है ये ऐसे ही नहीं लगा रखा है, मेरे चश्मा लग चुका है, नजर कमजोर हो चुकी है मेरी। और ये जो पीछे देख रहे हो आप, आपको यह बता दूं कि इस पार्क के नीचे जो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग से दिखाया था आपको पालिका बाजार, इस पार्क के नीचे वो भी पालिका बाजार है, अंडरग्राउंड में बना हुआ है, और ये गैस निकलने के लिए बना रखा है यहाँ पे, जगह जगह पे है, यहाँ पे काफी जगह बना रखे हैं। और इस पार्क के नीचे एक बाजार है पालिका बाजार, जो कि बहुत बड़ा यार, उधर से अभी अंदर जाएंगे उसके, आपको अंदर से दिखाएंगे वो बाजार। श्याम कहाँ है? आए तो कह देना छेन आया था, इतना ही था, मैं तो बेशक मैदान में आ जाए, मेरे आदमी को छू भी दिया तो मोहल्ला का मोहल्ला उड़ा दूंगा। चल आकर बुझे राकर बने बारों से सुना कर खामा डोसा मैं जानता हूँ, मैं दिल्ली से 100 रूपये भेजता हूँ, जिस गाँव के लिए मैं 100 रूपये भेजता हूँ वहाँ पे मात्र 15 रूपये ही पहुँच पाते हैं। मैं ये भी जानता हूँ ये 85 रूपये कहाँ चले जाते हैं। देखिए भैया ये बहुत गलत बात है, देखिए इन्होंने चाय दिया है और इसमें जो है चीनी कम है। शहजादे भाई और बहनों मैं पूछना चाहता हूँ ये कप अभी खाली है, मैंने इसमें चाय डाली कहा है? अरे अनुपम, अरे अरे आओ, अरे कोई समझाओ, अबे आएगा, अबे अंदर ही घुसाएगा, मैं आऊं ललिता। तो ये कुछ हमने आवाज निकाली 100%। तो अभी पार्क के बीचों बीच खड़े हैं और मैं हर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको थोड़ी देर में वो भी बांसुरी की आवाज भी सुनाएंगे। और मुझे एक भाई साहब जी मिले हैं, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर राजीव सिंह नाम है, और इन्होंने काफी एक्टरों की आवाजें निकाल के सुनाई है हमें, और शेरो शायरी किया, कुछ संगीत सुनाए हैं। तो क्या करते हैं सर आप? मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लव गुरु हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, प्रोफेसर हूँ, रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, और इस तरह से और भी जोड़ लेंगे तो डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, लिरिक्स राइटर हूँ, और भी बहुत सारे कलाएं हमारे पास है। तो बहुत मतलब एक आर्टिस्ट है, मैंने खुद थिएटर किया हुआ है, लेकिन मैं तो अपना चेहरा निकाल लेता हूँ अभी, देखिए। तो ये है इनकी भाई रियल फेस, थोड़ी कैप ऊपर कर लीजिए। हाँ ये मुझे भी ठीक कर लेता हूँ। तो ये भाई इनका रियल फेस है, अभी हमने जो वीडियो दिखाई है आपको वो
मास्क लगा रखा था इन्होंने मोदी जी का। नहीं 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 बीस बीन फ्रांस का, ब्रिटेन का बहुत बड़ा कलाकार जो वोकल डिसऑर्डर का शिकार है। मुझे मोदी जी का लग रहा है। नहीं ये मिस्टर बीन का है जो बच्चों को हंसाने का। तो ये सारे इस साइड देखो, ये सारे देखने के लिए आए थे भाई। तो ये इनकी कला ने इनको खुद बुला लिया है। ये होती है भाई कला। देखिए भैया इन्होंने चाय दिया है और इसमें देखिए चीनी कम है। शहजादे भाई और बहनों मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ ये कप अभी खाली है, मैंने इसमें चाय डाली कहाँ है? कैसी लगी भाइयों बात? तो अभी हम आ चुके हैं पार्क से बाहर और ये जो पार्क है ये बिल्कुल पॉइंट पे है, सर्कल के बिल्कुल सेंटर में है पार्क। और इसके नीचे मैंने बताया था पहले ही कि इसके नीचे बाजार है, तो अभी हम बाजार में ही जा रहे हैं। तो पालिका बाजार में तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, हमने थोड़ी बहुत बनाई है। फिर एक भैया ने बोला कि यहाँ पे वीडियो बनाने का चलान है। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं और नाइट का इंतजार कर रहे हैं, आपको नाइट का व्यू जरूर दिखाएंगे। यहाँ पे पीछे का व्यू देखो कितना मस्त है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी और कंट्री में आ गया हूँ मैं। और ब्रिटिश जब भारत आए थे तो ये मार्केट उन्होंने बनवाई थी। और मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मार्केट है सर्कल शेप में है, आप इसको मैप में भी जैसे कनॉट प्लेस सर्च करोगे तो एक सर्कल के शेप में है। इसमें दो सर्कल है, एक सर्कल अंदर है और एक सर्कल बाहर है। अंदर के सर्कल में ए से लेके एफ तक ब्लॉग हैं और जो बाहर वाला सर्कल है उसमें लेके जी से लेके एन तक ब्लॉग हैं। और नाइट का व्यू यहाँ का बहुत मस्त आता है, अभी हम नाइट होने का इंतजार कर रहे हैं। तो डे का व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया था और ये है पीछे नाइट का व्यू। देखो लाइट के साथ ये जो कनॉट प्लेस है और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। देखो पीछे देखो एक बार, ऐसे लग रहा है जैसे किसी दूसरी कंट्री में ही हूं मैं। और आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हर ब्लॉक पे मिल जाएगा आपको साइन पोस्ट इंडिया। यहाँ देखो, यहाँ आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो और इसमें फ्री वाईफाई चलता है। मुझे तो सीपी की मार्केट घूम के बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताओ आपको डे का व्यू ज्यादा अच्छा लगा या नाइट का व्यू ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और ये है कुछ अंदर का सीन। और अगर आप यहाँ दिन में आते हो तो नाइट में थोड़ा सा जरूर घूम के जाना यहाँ पे, क्योंकि नाइट का व्यू बहुत मस्त आता है। तो गाइज बस यही था, आपको डे का और नाइट का व्यू दिखाना था यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे घूमने आते हो तो यहाँ पे एक पास में ही बंगला साहिब गुरुद्वारा पड़ता है, वहाँ पे जरूर जाना घूमने के लिए। बहुत मस्त प्लेस है और बहुत अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे जाके। कनॉट प्लेस के पास ही पड़ता है, तो अगर आप कनॉट प्लेस में आते हो तो वहाँ जरूर जाना। तो मेन बस यही था, आपको डे का और नाइट का व्यू दिखाना था। तो चलिए फिर आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, बाय।